Assalamualaikum नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहरयार शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्यानी और इस वक्त हम मौजूद हैं एसओएस विलेज में जहां पे एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है एंड व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय माइक्रोनॉक्स तो आइए यहां पे मौजूद जाके बच्चों से और लोगों से जानते हैं कि वो आज के इस चैरिटी इवेंट को लेके कितने एक्साइटेड हैं उन्हें जो लगता है कि जो चैरिटी आज यहां पे इकट्ठी होनी है उसके बाद वो यहां पे जो विलेज है एसओएस विलेज बच्चों के लिए वो इसमें क्या बेहतरी लाने की उम्मीद रखते हैं तो आइए इस बारे में आम से जानते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी सर आपका नाम गुलाम सैयद हैं गुलाम साहब क्या कहना है आपका इस इवेंट के बारे में जो कि ये हमने एसओएस विलेज के बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है कि मेरा आपसे यही पूछना है कि जो इधर चैरिटी कलेक्शन आप करते हैं ठीक है और उसको किस वे में यूटिलाइज करते हैं और उन बच्चों के लिए किस हद तक वो बेनिफिशियल हैं क्या उन बच्चों को भी वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि जो बाकी जो बाहर के ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनको भी जो दी जाती हैं उनको भी यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल की विश्वास से क्योंकि मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये बाहर के दुनिया से कटे हुए हैं ये एक अम्ब्रेला के नीचे रह रहे हैं और इनको भी ये वॉलंटियरली जो लोग यहाँ पर आके काम करते हैं ये इस तरह के इवेंट जो है ये इनकी हौसला अफजाई करते हैं और इनके अंदर का जो पैशन है इनके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालते हैं उसमें मदद साबित होता है तो माशाल्लाह मतलब मैं ये भी चीज़ ऑब्जर्व की है यहाँ पर कि बच्चे जो यहाँ पर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं कि डू यू रियली थिंक कि ये जो आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट या फिर उनकी ग्रूमिंग भी की जाती है कॉन्फिडेंट होने के लिए या वो ऑलरेडी बिल्ट इन कॉन्फिडेंट है मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में कोई भी बच्चा अबनॉर्मल नहीं होता है अबनॉर्मल या नॉर्मल बच्चा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा उसकी सोसाइटी उसके इन्वायरमेंट से होता है जिस तरीके की उसको एजुकेशन दी जाएगी वैसा वो होगा आपका नाम शैला खान नियाज़ी शैला मुझे बताएं कि ये जो आज इवेंट हुआ है यहाँ पे एक तो ये कि ये चैरिटी के लिए हुआ है तो जो चैरिटी यहाँ से कलेक्ट होती है तो वो क्या इन बच्चों की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इनफ होती है क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह इतने बच्चे हैं उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती है क्या आप उनसे मुतमईन हैं जी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस गुज़श्ता 3 साल से काम कर रही है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जिसका एक प्रोजेक्ट जहाँ एसएस विलेज के बच्चों को भी जो है वो उनकी फैसिलिटेट करना उनकी हेल्प करना है इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है रमज़ान ड्राइव्स का है सहरी अफ्तारी देते हैं इसके अलावा सर्दी गर्मी में जो एक अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हेल्प करना है तो माशाल्लाह काफ़ी सारे को 8 से 9 प्रोजेक्ट हैं जो इकट्ठे चल रहे हैं और यहाँ के बच्चों को भी फैसिलिटेट किया जाता है और हम अपना हर इवेंट यहाँ पे करते हैं बच्चों के साथ यहाँ के जो बच्चे हैं तो आपको क्या लगता है जो बाहर जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फैमिलीज के साथ रहते हैं तो ये उनको बीट कर सकते हैं किसी भी मतलब कंपटीशन में दुनिया की किसी भी फील्ड में हर चीज़ में ये उनको बीट कर सकते हैं आप जी जी बिल्कुल माशाल्लाह इनकी स्टडीज़ यहाँ से बल्कि 2-4 ऐसे निकले हैं बच्चे जो कि जिनमें से एक इंजीनियर भी बना है और बच्चियों की शादी उनकी स्टडीज़ और माशाल्लाह ये बच्चे ऑर्फन हैं लेकिन किसी से कम नहीं है एजुकेशन में भी इनको आप इनकी ट्रेनिंग जो जहाँ पे होती है उसमें भी माशाल्लाह हर मैदान में कामयाब हैं ये बच्चे आपका नाम है जी मैं फरागा मेंबर पंजाब असेंबली पीटीआई से माशाल्लाह मैम मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि जो एसओएस विलेज के जो जानब से ये बच्चों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे ऑर्फेंस के लिए या फिर जो हमारे आप ये कह लें कि डिसेबल्स बच्चे हैं या जो बहुत सारी डिफरेंट आप कह लें कि सेगमेंट से जो बच्चे बिलोंग करते हैं तो ये इवेंट किस तरह से उनकी जो ग्रोथ है या जो उनका आप ये कह लें कि जो उनका लाइफस्टाइल है या फिर उनकी जो आगे बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में कारामद साबित होता है भाई मैं तो यहाँ हर साल आती हूँ और मुझे इस बात पे प्राउड फील होता है कि हमारी पीटीआई की खवातीन ने हर बच्चे को और लोगों को भी मेरा एक मैसेज है कि यहाँ आप आके बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं अडॉप्ट करने का ये मतलब नहीं कि उनको आपको घर ले जा के रखना है बट यहाँ उनको आप एक अमाउंट होती है वो पे कर देते हैं उन बच्चों की पढ़ाई के अखराजात उनको खाने पीने के वो मिलते हैं तो ये एक सवाब का काम है और ये बहुत अच्छा काम है जो यहाँ पे ईयरली इवेंट्स होते हैं मैं तो कहती हूँ एवरी 6 मंथ्स के बाद इन बच्चों के लिए इवेंट्स होने चाहिए और मेरी तो सारी पीटीआई की क्या पाकिस्तान की खवातीन से अपील है कि वो यहाँ आएँ और इधर उधर फजूल खर्चा करने के बजाय एक एक बच्चा अडॉप्ट कर ले और मैम इसके अलावा एक और चीज़ की जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं डू यू रियली थिंक कि वो जो फैसिलिटीज़ बाकी जो हमारे आम स्कूल हैं जो बाहर के जो ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग है या उनसे बढ़कर है या उतनी ही अच्छी हैं नहीं उतनी ही अच्छी हैं बल्कि उनसे बढ़कर हैं क्योंकि मैं कोई आज पहली दफ़ा यहाँ नहीं आई हूँ मैंने तो आके हमेशा
इनके रहने की जगह, क्लासरूम, सब जगह विजिट की हैं और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। इसको तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा मतलब हेल्प आउट करना चाहिए और कामों में भी, और जगह भी आपने देखी है कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है जी। माशाल्लाह बच्चों के लिए बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं यही देख रहा हूँ कि हर तरह की फैसिलिटीज़ उनके लिए, स्टॉल्स और ये म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी रखवाया गया। मतलब आपको बच्चों को हमने यहाँ पे फील ही नहीं होने दिया कि वो ऑर्फेन है या कोई उनमें कमी है, और इतना हेल्दी जगह पे उन्हें रखा जा रहा है। आपका नाम? जाबिर। अच्छा जाबिर, मुझे बताएं कि आज आप इस इवेंट को होस्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरह के बच्चे होते हैं जिनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट वाला क्योंकि होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑर्फेन हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है इस इवेंट को देखते हुए? अच्छा, मेरे लिए ये खुशकिस्मती है और खुशनसीबी है इस लिहाज से कि तमाम गेस्ट, तमाम बच्चे और तमाम वो अहबाब एक्टिव ये एक्ट ऑफ काइंडनेस के मेरे दरमियान बैठे होंगे कि जिन्होंने वो काम किया कि शायद हम में से बहुत कम लोग काम करते हैं। किसी का हाथ पकड़ना मुश्किल में, किसी के सर पर हाथ रखना, किसी की छांव बन जाना, किसी के लिए आसानी पैदा करना, किसी को थाम लेना, ये बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज उस तमाम एक्टिविटी को जो पूरा साल होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस के, तो हम उस सिलसिले में एक जश्न का अहतमाम कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो अहबाब जिन्होंने अब तक हाथ हमारे साथ नहीं मिलाया आएँ, आज अहद करते हैं और आज के दिन एक नए मिशन का नुक्ता आगाज़ साबित होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ SOS विलेज में जो बच्चे रहते हैं इनकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है, तो आप इन बच्चों का और जो बाहर के बच्चे हैं जिनके फैमिली के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनको आपको क्या लगता है ये उनको जो है कम्पीट कर सकते हैं हर फील्ड में? डेफिनेटली कर सकते हैं, इसलिए कि आपको खुद भी फील हुआ होगा जब आप यहाँ पर आए होंगी, वो तमाम पैराफिनेरिया, वो तमाम यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसे है जैसे एक फैमिली का होता है, घर का, एक इंस्टीट्यूशन का होता है। बच्चों के हाँ ये मैसेज कभी कन्वे नहीं किया जाता कि आप महरूम हैं, आप लाचार हैं, बेबस हैं, नादार हैं, ये मुफलिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ये वाकईतन बीट करेंगे इस मुआशरे में और पे बैक भी करेंगे। मज़े की बात, यहाँ पे अगर जो इस तरह के चैरिटी इवेंट्स होते हैं तो उनसे आपको लगता है जो चैरिटी कलेक्ट होती है, तो क्या आपको लगता है ऐसी क्या इस जगह में या यहाँ के बच्चों के लिए खासतौर पे जो कमियाँ हैं जिनको दूर किया जा सकता है, जो बेहतरी लाई जा सकती है? देखें जी, आज जैसे कि हमने डोनर्स को दावत दे रखी है, मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी ख्वाहिश यही है कि जो बच्चों की ज़रूरतें हैं उन बासर और बाहसियत और बाइक्तदार लोगों तक पहुँचाई जाएँ कि वो इनकी मदद करें। वो इनको फाइनेंस चाहिए, इनको कोई फिज़िकली कोई मदद चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, तो वो लोग यकीनी तौर पर इनके लिए मददगार साबित होंगे। आपका नाम? ये मेरा नाम मोहम्मद कलीम अकरम। अच्छा सर, क्या कहते हैं आप? जी ज़बरदस्त, ये आज बहुत ही शानदार जो हमने इधर गैदरिंग की है SOS के बच्चों के साथ, पूरा दिन हमने स्पेंड किया है और यूथ है पाकिस्तान की, सारी यूथ यहाँ पे आई हुई है और उनके साथ एक अच्छा दिन गुजारा है और मतलब आज हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो सर आप और क्या कहना पसंद करेंगे इस बारे में कि जो चैरिटी कलेक्ट की जाती है SOS विलेज के रेफरेंस से जो बच्चों के लिए, जो जहाँ पर बच्चे परवरिश पा रहे हैं लोगों के सुपरविजन के अंडर, के उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं या जो उनकी स्टडीज़ के ऊपर, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर, डू यू रियली थिंक कि वो चीज़ें, वो सब फैसिलिटीज़ उनको उस लेवल पर फ्राहम की जा रही हैं कि जो बाहर आम बच्चे को भी नेसेसिटी, जो बेसिक नेसेसिटी जो उसको मिलती है, जो उसको फ्राहम की जाती है? बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आज हमने पूरा इनको विज़िट किया, पहले भी हम आते रहते हैं, तो एक्सीलेंट सर्विसेज हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, बिल्कुल घर वाला, मदर का एक मदर है, 10 बच्चे हैं, एक घर वाला माहौल है, एक्सीलेंट है। और मैं ये इस पर आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसे ही सारा कुछ नहीं है, आप अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, आप अपनी स्किल दे सकते हैं। जैसे मैं एज अ टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने पूरा दिन बच्चों को कंप्यूटर की बातें की हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड उनका इंटरेस्ट डिवेल्प किया है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, इनके साथ आएँ, और ये भी हमारा साथ है, हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो हमें इनके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। बेशक, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अली जंजुआ। अच्छा अली, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं आपको क्या लगता है इनको यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि जो बाहर जो बच्चे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहते हैं, वो उनको हर फील्ड में कम्पीट कर सकें? मेरे मुताबिक जिस बच्चे के पास कम होता है उसके पास ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बजाय कि उन बच्चों के लिए सॉरी फील करना, मेरे मुताबिक मैं उन बच्चों के लिए सॉरी फील करता हूँ जिनके माँ बाप उनको सब कुछ देते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता उनको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस उनको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और वो ज़्यादा हंगर होती है उनमें और वो ज़्यादा एनर्जी के साथ ये चीज़ें ओवरकम कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, ये जो इवेंट्स यहाँ पे रखते हैं चैरिटी के लिए,
तो जो चैरिटी यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो आपको क्या ऐसी लगता है कि क्या यहाँ पे कमी है जिसकी बेहतरी की जा सके, जो ऐसी चीज़ में बहुत बेहतरी लाई जा सके? क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह इतने ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी मतलब फैसिलिटीज है, रहना, स्कूल, एवरीथिंग। तो चैरिटी से अब आपको क्या लगता है क्या बेहतरी किस चीज़ में लाई जा सकती है? मेरे मुताबिक पैसे जो हैं वो तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, क्योंकि पैसे निकालना, ज़कात निकालना, थोड़े से पैसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। असल जो जिस चीज़ की कमी है वो है इन्वॉल्वमेंट, बच्चों को मेंटोर करना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनको सही और गलत की समझ देना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी ज़िंदगी से टाइम निकालें और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको जो सिखा सकते हैं वो सिखाएं, अपना टाइम देकर, सिर्फ पैसों से नहीं। आपका नाम? अतीक अफरीदी। अतीक भाई, आपका क्या कहना है इस इवेंट के बारे में जो एसओएस विलेज की जानिब से रखा गया? इनफैक्ट आपकी भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, तो क्या मैं आपसे ये पूछना पसंद करूंगा, जो चैरिटी कलेक्शन है तो उसको किस वे में इन बच्चों के लिए यूटिलाइज किया जाता? एग्जैक्टली, बीइंग अ फाउंडर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आज हमारी थर्ड एनिवर्सरी है और ये हमारी हम अपनी एनिवर्सरी इन बच्चों के साथ मना रहे हैं जो कि ऑर्फन बच्चे हैं, और हम हर साल इधर मनाते हैं हमारी थर्ड कंसेक्यूटिव एनिवर्सरी जो हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो हम जो भी हमारे साथ फंड्स जनरेट होते हैं थ्रू पासिस, तो वो हम इन्हीं बच्चों पे खर्च करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि उनके लिए झूले लगे हैं, उनके साथ गेम, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, मैंने ये चीज़ भी देखी है। एग्जैक्टली, वो हर बार वेट करते रहते हैं कि हम कब आएंगे, तो हम टाइम टू टाइम आते रहते हैं और उनके साथ इसी तरह के इवेंट्स होते रहते हैं हमारे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? असफन। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन, सिक्स। अच्छा, सिक्स में। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पे दिल लग जाता है आपका? जी। अच्छा, यहाँ पे आपको खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई वगैरह सबके बारे में बताओ, और यहाँ पे जो आपके दोस्त हैं उनके साथ कैसे आप मतलब इन्जॉय करते हो जो आपका फ्री टाइम होता है उसको? अच्छा इन्जॉय करता हूँ अपने फ्री टाइम को, मैं अच्छा इन्जॉय करता हूँ और दूसरों के अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आपको अपने घर की फैमिली की याद तो आती होगी ऑब्वियसली, तो घर में से आपसे कोई मिलने आता है यहाँ पे या आप जाते हो थोड़े टाइम के बाद? अम्मी आती है मिलने। अच्छा, तो अम्मी कितने टाइम बाद आपसे मिलने आती हैं? महीने में जो संडे, महीने का जो संडे पहला होता है ना उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे आपके बच्चों से अच्छी दोस्ती है, फ्री टाइम में क्या खेलते हो, किस तरह की गेम्स खेलते हो? फ्री टाइम में हम लोग मेरे हमारे दोस्त क्रिकेट ही खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सदफ। सदफ, कैसे हो आप? ठीक। अच्छा, मुझे बताओ आपके लिए इवेंट रखवाया गया यहाँ पर, तो आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये इवेंट? जी। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थ्री। थ्री में पढ़ते हो, फ्रेंड्स हैं आपके? जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप ये बताओ कि इधर आप स्कूल जाते हो, यहाँ पे खाना भी खाते हो, आपका ख्याल रखा जाता है, आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस होती यहाँ पर? नहीं। मतलब आप खुश हो यहाँ पर? जी। कितना? बहुत। अच्छा, क्या करते हो सारा दिन इधर? पढ़ते हो, उसके बाद क्या करते हो पढ़ने के बाद जब स्कूल से आ जाते हो? खेलते हैं। खेलते हो फ्रेंड्स के साथ? जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मोंटेसोरी। अच्छा, तो आप इधर रहते हो? अच्छा, तो आपको घर की याद आती है? जी। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं? जी। तो आप जब फ्री होते हो पढ़ाई के अलावा तो फिर क्या गेम्स खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? जब भी दिल आए। अच्छा, और यहाँ पे आपको जो खाना मिलता है, जो स्कूल है आपका, आप हर चीज से खुश हो? जी। आपके कितने फ्रेंड्स हैं? पांच। तो आप उन पांच के साथ जब फ्री टाइम में होते हो तो क्या खेलते हो आप? या क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी। सर, मुझे बताएं कि इस तरह के जो चैरिटी इवेंट्स होते हैं तो वो किसी भी मतलब एनजीओ या कुछ भी इस तरह का है जैसे एसओएस विलेज है, तो इसके तरक्की में और आगे बढ़ने में कितना अपना पार्ट प्ले करती हैं? जैसे कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मैं उसकी मेंबर हूँ। आज हम इधर एसओएस विलेज में इन बच्चों के साथ अपनी थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं। सेकेंड एनिवर्सरी भी हमने उनके साथ यहीं पर सेलिब्रेट की थी। इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को उनके चेहरों पर खुशियाँ देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए इस तरह की एनजीओज जो हैं इस तरह की जगहों पर जाने की कोशिश करती हैं कि जहाँ पर अपने सोसाइटी में ऐसा अपना पार्ट प्ले कर सके जहां हम कि लोगों के लिए कुछ कर सकें या लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकें। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनको आप फ्यूचर में कहाँ देखती हैं? मतलब क्योंकि फैमिली से दूर होते हैं, पेरेंट्स से, तो बस एक यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ और इस तरह से रहते हैं, तो फ्यूचर में आप इन बच्चों को कहाँ देखती हैं? माशाल्लाह से मैंने इस इन्वायरमेंट में जो फील किया है कि यहाँ पे बच्चों की जो स्टडीज़,
उनकी हेल्थ के बारे में, मतलब ये SOS विलेज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऑर्फन हाउसेज होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके माइंड सप्रेस कर दिए जाते हैं, वो उस तरह से उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती है ग्रो करने की, लेकिन यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट, उनको गेम्स हमने कराई, उन्होंने गेम्स में पार्ट लिया और बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट देखती हूँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ के बच्चे जो बाहर जो होते हैं, बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो ये उनको हर तरह से कम्पीट कर सकते हैं बच्चे? आई थिंक कर सकते हैं ना, 85% कर सकते हैं। थैंक यू। तो जी उन साहब, मैं तो ये कहूँगा कि इस इवेंट के बारे में कि जो SOS विलेज की जानिब से बच्चों के लिए रखा गया है, इनफैक्ट SOS विलेज के बच्चों के फलाह बहबूद के लिए रखा गया है कि उनके एक जो फ्यूचर की बेटरमेंट है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल बिल्टअप करते हैं। तो आपका क्या कहना है उन साहब इस बारे में? जी शहरयार, बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पे मौजूद जितने भी पेरेंट्स थे खासतौर पे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो बच्चे यहाँ पे हैं और जो बाहर जो अपनी फैमिलीज के साथ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ये बच्चे उनसे उनको हर तरह से कम्पीट कर सकते हैं और उनसे किसी भी सूरत ये कम नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ देखते रहिए विजन TV और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।